हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल ब्रांच में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि आप अपने घर पे वाईफाई का कनेक्शन लगवाए हैं, चाहे वह जियो फाइबर है या एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर है, तो आप यह जरूर जानना चाहते होंगे कि उस वाईफाई कनेक्शन से आखिर कितने लोग कनेक्ट हैं, यानी कितने फोन कनेक्ट हैं, यह आप जरूर जानना चाहते होंगे। जी हाँ फ्रेंड, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने घर पे वाईफाई का पासवर्ड लगा देते हैं और मेरा जो पासवर्ड है वाईफाई का लीक हो जाता है। वैसे में हमारे अगल बगल के लोग वाईफाई पासवर्ड यूज करने लगते हैं और हमें पता नहीं होता है कि आखिर कौन कौन से लोग हमारे वाईफाई को यूज कर रहे हैं। वैसे सिचुएशन में आप यह पता लगा सकते हैं कि आपके वाईफाई को कौन कौन से लोग यूज कर रहे हैं। जो लोग यदि गलती से फालतू लोग यूज कर रहे हैं, उनके कनेक्शन को आप अपने फोन के जरिए उन्हें डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि आपके घर में वाईफाई है तो वाईफाई से कितने मोबाइल कनेक्ट हैं और कौन सी कंपनी का मोबाइल कनेक्ट है, या आपके दोस्त के घर में वाईफाई लगा हुआ है और आप जानना चाहते हैं कि आपके दोस्त के वाईफाई से कितने लोग कनेक्ट चल रहे हैं, तो भी आप पता लगा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही कुछ बताऊंगा। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर और ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आइए फ्रेंड, वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कहते हैं कि यदि आप अपने वाईफाई को देखना चाहते हैं कि कितने लोग कनेक्ट हैं, तो भी देख सकते हैं। यदि आपका कोई दोस्त है, उसके घर में वाईफाई लगा हुआ है और उसका देखना चाहते हैं कि वह कितने लोग उसके वाईफाई से कनेक्ट हैं, वह भी देख सकते हैं। लेकिन आपके दोस्त का पासवर्ड आपको याद होना चाहिए। फिलहाल मैं आपका बताता हूँ, यदि आपके घर में किसी भी कंपनी का वाईफाई है, चाहे एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर हो, जियो हो या अदर कोई भी कनेक्शन वाईफाई लगा हुआ है, तो उसके लिए आपको एक काम करना है। साइड में देखिएगा, स्क्रीन आपको दिख रहा है, स्क्रीन पर समझिएगा, आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। एप्लीकेशन का क्या नाम है, मैं सबसे पहले वो बता देता हूँ। एप्लीकेशन का नाम है फिंग, FING, फिंग एप्लीकेशन है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, नहीं तो प्ले स्टोर से पहले डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे डाउनलोड करेंगे तो ऐसा इंटरफेस होगा, जब ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, तो नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा, तो इसके ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे इनेबल लोकेशन का ऑप्शन दिखेगा, तो इनेबल लोकेशन के ऊपर में टैप कर देना है और यहाँ पे इसके कुछ परमिशन होंगे, परमिशन को अलाउ कर देना है। अब ध्यान से देने वाली बात है, यहाँ पे सिंग मी इन का ऑप्शन है, वहां पर अब आपको क्लिक नहीं करना है। ध्यान से बात को समझिएगा, जो यहाँ पे सिंग मी इन लिखा हुआ है वहां पे नहीं क्लिक करना है। नीचे आई एल थिंग्स अबाउट इट का ऑप्शन है, इसके ऊपर पे क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर में क्लिक करेंगे दोस्तों, तो नीचे में आपको मे बे लेटर लिखा होगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मे बे लेटर लिखा हुआ है, इसके ऊपर में क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लोज पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद में आपका जो भी वाईफाई होगा आपको ऊपर में लिखा हुआ आ जाएगा। फिलहाल मेरा वाईफाई है एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर 5G, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ गया है। उसके नीचे में यहाँ पर नीचे स्कैन फॉर डिवाइस का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है ब्लू कलर से, इसके ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर में आप दोस्तों क्लिक करेंगे तो आपके वाईफाई से कितने मोबाइल कनेक्ट हैं, कौन सी टीवी कनेक्ट है, यह सब आपको बता देगा। फिलहाल मेरे अभी फिलहाल की बात हो रही है, यहाँ पर मुझे दिखा रहा है कि मेरे राउटर से सैमसंग गैलेक्सी, रेडमी नोट 10 और एस गैलेक्सी यहाँ पर देखिए कनेक्ट है, रियलमी 8 कनेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसने बता दिया। तो फ्रेंड, आप यहाँ से यह देख सकते हैं कितने डिवाइस कनेक्ट हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इनमें से यदि आप किसी के भी डिवाइस को बंद करना चाहते हैं तो भी बहुत आसानी से यहाँ पर आप उसके डिवाइस को अनलॉक कर सकते हैं। क्या करना है कि यहाँ पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद में अगर मान लीजिए कि इसको आपको हटाना है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि नीचे की ओर जाइएगा, यहाँ पे रिमूव डिवाइस का ऑप्शन दिख रहा है, रिमूव डिवाइस पे क्लिक कीजिए, उसका डिवाइस यहाँ से हट जाएगा। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से वाईफाई से कितने लोग कनेक्ट हैं यह पता लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में यही बता रहा था। हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है तो थिंक लिख कर एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जाकर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर आप यह जान सकते हैं कि आपके वाईफाई से कितने लोग कनेक्ट हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।